मेरा शेर है कि सुर्ख रूह होता है इंसान ठोकरे खाने के बाद जी, रंग लाती है हीना पत्थर पे पिस जाने के बाद जी। तो बात यह है कि जब इंसान संघर्ष करता है, मेहनत करता है और जब उसका फल मिलता है तो उसकी एक खुशी अलग होती है, उसका एक मज़ा अलग होता है। और अवार्ड जो है वो किसी भी कलाकार के लिए, जिसको कहते हैं एक मोटिवेशन का काम करता है, एक टॉनिक का काम करता है कि वो आर्टिस्ट है जो और आगे कुछ अच्छा काम करने के लिए तैयार होता है। लेकिन सर एलिगेशन ये भी लगता है खरीद फरोख भी होती है अवार्ड्स की, तो उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? सॉरी, खरीद फरोख भी होती है अवार्ड्स की? मैं समझता हूँ कि ये बातें हैं, आज मैं आपके सामने खड़ा हूँ तो मुझे ये अवार्ड मेरी मेहनत के लिए मिला है और मैं समझता हूँ कि मुझे नहीं लगता कि ऐसा। काफ़ी सफल आपको जीवन काल में काफ़ी सारे अवार्ड्स मिले होंगे, पहला अवार्ड्स कब मिला था, क्या फीलिंग थी उस वक्त अगर आपको याद हो? खैर साहब, मुझे पद्मश्री भी मिला है और जब मैंने मेरी करियर शुरू की थी तो 1985 में मुझे केएल सहगल, कुंदन लाल सहगल, सबसे बड़ा जो नाम था भारतीय संगीत का, तो केएल सहगल अवार्ड भी मिला था 1985 में। वो जब मुझे सहगल का अवार्ड मिला था तो मुझे हद से ज़्यादा खुशी हुई थी क्योंकि मैं सहगल साहब का बहुत बड़ा फैन रहा। थैंक यू सर, इंजॉय इवनिंग सर। शूटिंग करने जाती हूँ फिल्म सिटी, वो उनके नाम पे है और पहली फिल्म उन्होंने बनाई थी और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि आज उनके नाम का अवार्ड मुझे मिलने जा रहा है। थैंक यू सो मच जनता जिन्होंने मुझे इसके लिए चुना है, क्योंकि ये बहुत बड़ी हस्ती है जिनके नाम का ये अवार्ड मुझे मिलने जा रहा है। और मेरा मुँह तो देखने दीजिए उनको, तो बहुत अच्छा लग रहा है कि उनके नाम का अवार्ड मुझे मिलने जा रहा है। आपने इस काबिल मुझे समझा और बाकी बहुत डर लग रहा है कि ये माइक मेरे मुंह पे ना मार दे। भाई लड़ो मत, मुंह पे मत मारना। हाँ, बहुत अच्छा लग रहा है और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। थैंक यू सो मच। और इसलिए भी एक्साइटेड हूँ कि आज मेरे लिए बहुत बड़ा दिन है। आज मैंने नई गाड़ी खरीदी है, मर्सिडीज GL 350, और आज मुझे इतना बड़ा अवार्ड मिला, तो आज 21 अप्रैल मेरे लिए बहुत लकी है। कितनी गाड़ियाँ हो गई घर में आपके? हाँ,